हाय मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राइप वाटर के बारे में। क्या मैंने अपने बच्चे को ग्राइप वाटर दिया, क्या बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस और ओपिनियन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में जरूर देखिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट इन केस आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आई एम अ मदर ऑफ अ ऑलमोस्ट 3 ईयर ओल्ड, मेरा बेटा अभी 2 ईयर्स 10 मंथ्स का है और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस चैनल के थ्रू लॉग किया हुआ है, तो आप जाके मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज एज। सो टिपिकली जैसा होता है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो एज अ पेरेंट आप बहुत इंक्विजिटिव होते हो, आप सब कुछ पता करना चाहते हो कि बेबी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए, और इस वजह से आप बहुत लोगों से बात करते हो, आप फ्रेंड्स से बात करते हो, फैमिली मेम्बर से बात करते हो, दादी नानी जिससे भी मिलते हो आप यही सवाल आपके मन में होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे याद है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था कि ग्राइप वाटर अपने पास ज़रूर रखना, बच्चों को ग्राइप वाटर दे दो तो मतलब उनका जो शुरू के महीने होते हैं वो काफ़ी अच्छे निकल जाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, गैस की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे याद है कि इसी वजह से हमने ग्राइप वाटर खरीद के रख लिया था जब हम तैयारी कर रहे थे कबीर के अराइवल की। एंड इसी के साथ मुझे ये भी याद है कि जब कबीर की पीडियाट्रिशियन से मैं मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या व्यू है, क्या ग्राइप वाटर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली कि देखो ग्राइप वाटर एक ऐसी चीज़ है जो सेंचुरीज से चला आ रहा है, तो आप बहुत कॉमन है इसके बारे में सुनना, बहुत कॉमन है इसकी तारीफ भी सुनना, बट मेडिकली अगर आप पूछो या साइंटिफिकली आप पूछो तो देर इज नो एविडेंस कि ग्राइप वाटर की वजह से बच्चों को एक सर्टन तरीके का आराम मिलता है या उनकी गैस की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम जो होती हैं उस पर असर होता है। इसीलिए एज अ डॉक्टर मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ग्राइप वाटर दो, क्योंकि इसका कोई एविडेंस ये भी नहीं कहता कि होता है और इसका कोई एविडेंस ये भी नहीं कहता कि नहीं होता है। और इस पर हमारी काफी डिस्कशन हुई कि एक्चुअल में ग्राइप वाटर की यूसेज एक एज ओल्ड डिबेट है क्योंकि ये ज्यादा होम्योपैथी साइड पर फॉल करता है, तो काफी डिबेट हो जाता है बिकॉज जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते, बट जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें बिलीव करते हैं, और कई होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी ग्राइप वाटर में भी ना बिलीव करके अपनी पर्टिकुलर छोटी छोटी वो जो गोलियां आती हैं वो देना प्रेफर करते हैं बच्चों को। तो यू नो जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहे हैं उसके साथ ही ओपिनियंस भी काफी चेंज होते जा रहे हैं। तो एज अ पेरेंट मुझे एक अफर्मेटिव आंसर नहीं मिला कि हाँ मुझे ग्राइप वाटर डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से वो जो ग्राइप वाटर की बॉटल थी वो वैसे के वैसे पड़ी रही और फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसको फेंक दिया गया और एज अ पेरेंट हमने कभी ग्राइप वाटर यूज़ नहीं किया। सो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या रिसर्च था इसके ऊपर, क्या चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राइप वाटर होता क्या है। ग्राइप वाटर एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है, जैसे मैंने बताया होम्योपैथी साइड पर इसको ज़्यादा माना जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है और मेन जो इसका पर्पज़ था सॉल्व करने का वो था बच्चों की पेट की प्रॉब्लम। ऐसा माना जाता था कि शुरू के महीनों में बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट में मरोड़े पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, पॉटी नहीं आती, तो अगर रोज के रोज नहाने के बाद बच्चे को ग्राइप वाटर दे दिया जाए तो बस बच्चे की ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसी के ऊपर काफी डिबेट चलता था कि मतलब ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे हम भी बड़े लोग भी अगर आप कोई नया खाना ट्राई करते हो तो कई बार ऐसा होता है या आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है या आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपकी बॉडी को उस पर एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयों से बॉडी को हेल्प करो टू एडजस्ट टू दैट न्यू एनवायरनमेंट या न्यू फूड। सिमिलरली जब एक बच्चा पेट से बाहर आता है मदर के तो उसके लिए जो खाना है वो बदल चुका है क्योंकि अब वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, काफ़ी मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता तो वो फॉर्मूला देते हैं जो बच्चों के लिए और हैवी होता है, एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बहुत अलग होता है, अब बच्चा क्योंकि रोज़ ज़्यादा रहा होता है तो उसकी बॉडी में हवा भी ज़्यादा जा रही होती है तो उसके पेट में कई बार गैस वगैरह भी ज़्यादा हो जाती है या ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे बहुत सारे वजह से रोते हैं, कई बार इस वजह से रोते हैं, कई बार नींद की वजह से रोते हैं, कई बार डायपर की वजह से रोते हैं, बट एज पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमने बच्चों का रोना एसोसिएट कर लिया है गैस से जिसकी वजह से हम एंड अप करते हैं उन्हें ग्राइप वाटर देना। जबकि अगर हम WHO की गाइडलाइंस पढ़ें या डॉक्टर से जाके मिलें तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि स्ट्रिक्टली बच्चे के पेट के लिए
6 महीने से पहले आपको उसे माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चे को माँ के दूध या मैक्सिमम फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि अगर दूध नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला, इसके अलावा बच्चे को कुछ ना मिले। इसी चीज़ को बारी बारी बढ़ाया जाता है कि ना पानी, ना कोई गुट्टी, ना कोई ग्राइप वाटर, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास आइए और डॉक्टर आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम देखते हुए आपको एक दवाई सजेस्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चलता है कि ये ठीक है भी या नहीं। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ जहां बहुत कंट्रीज़ में और बहुत एजेस से ये यूज़ होता भी आ रहा है, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहां पे ग्राइप वाटर टोटली बैंड है। और इसके भी कुछ रीजंस हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि काफ़ी सारे जो ग्राइप वाटर्स मिलते हैं, जो फॉर्मुलेशन, अगर आप उस पर पढ़ोगे तो उनमें अल्कोहल होता है, और हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। उसका इफेक्ट बॉडी पे क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते, तो इस वजह से भी इसको बैन किया जाता है। दूसरा, इसमें चीनी मिलाई जाती है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 साल से छोटे बच्चों को एक्चुअल में हमें चीनी नहीं देना चाहिए। तीसरा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो एक बेकिंग सोडा का काम करता है। हम इतना जानते हैं कि हम नॉर्मली भी बड़े बच्चों को भी बेकिंग सोडा जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, चुटकी भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम इतने छोटे बच्चों को, 2-2, 3-3 महीने बच्चों को क्यों ये सब चीज़ें दे रहे होते हैं। तो इन 3 मेन कॉम्पोनेंट्स की वजह से, स्पेशली एल्कोहल एंड शुगर, इनकी वजह से ग्राइप वाटर को काफ़ी कंट्रीज़ में बैन किया जाता है कि इसको रखना ही नहीं है आपको मेडिकल स्टोर्स में या केमिस्ट शॉप में, ताकि ये पेरेंट्स को एक्सेस हो सके जिसकी वजह से बच्चों को हार्म हो सके। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये वही बात हो गई कि जिसको सूट कर जाता है, आपने ग्राइप वाटर दिया, एकदम से बच्चे को मीठा मीठा टेस्ट लगा, बच्चा एकदम से रोते रोते चुप हो गया, आपको लगा वाह ये तो मेरे बच्चे के ऊपर काम कर गया, बट हो सकता है कि बच्चे को एक जरा सा चेंज ऑफ टेस्ट मिला था, इस वजह से बच्चा चुप हो गया। होता है ना, जैसे हम बच्चे को एकदम रोते रोते कोई नया टॉय दे दें, हो सकता है बच्चा चुप हो जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस टॉय की वजह से मेरे बच्चे को आराम मिल रहा है? नहीं। एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझना कि ये जो प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है ये क्यों हो रही है। अगर हम वो प्रॉब्लम जड़ से काट देंगे तो हमें ऐसी एक्सटर्नल चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा होता है रीजन जिसकी वजह से मना करते हैं ग्राइप वाटर देने के लिए, वो होता है कि हम ओवर यूज कर देते हैं। कई बार क्योंकि इस चीज से मेरे बच्चे को आराम मिल रहा है, चलो इसको रोज दे दो, चलो इसको आदत बना लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे याद है एक हमारे घर में एक आंटी आती थी मेरी मसाज करने, बेबी होने के बाद सौरभ ने हमेशा कबीर की मसाज करी है, तो मुझे हमेशा कहती थी कि नहाने के बाद ना इसको एक बूंद चटा दो, बस देखना बच्चा आराम से सोएगा, ना पेट की प्रॉब्लम होगी, पॉटी भी ठीक आएगी। बट हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि अगर आप बाकी सारी चीजों का ध्यान रखो तो आपको एक्चुअल में ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जो हमारे लिए बिल्कुल वर्क किया। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में आप जरूर सोचिए बिफोर गिविंग ग्राइप वाटर टू योर बेबी। एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगी कि इसके बाद भी अगर आप फिर भी कन्विंस्ड हो कि नहीं ग्राइप वाटर बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, ग्राइप वाटर बच्चे को जरूर देना है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए अबाउट द ब्रांड दैट यू आर चूजिंग। कई बार हम ब्रांड के पीछे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, या ब्रांड के पीछे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो नहीं जान पाते कि इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं, तो मे बी योर डॉक्टर्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट बेटर। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए कि क्या इस ब्रांड का ग्राइप वाटर ठीक है, क्या इस एज के लिए मुझे कितनी डोज बच्चे को देनी चाहिए। जैसे कि दवाइयों के साथ होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो इतनी सी क्वांटिटी होती है, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती है, तो डोसेज भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा ग्राइप वाटर मिल जाए तो भी। और लास्टली, मैं वीडियो एंड नहीं कर सकती एज अ मदर अपना सजेशन दिए बिना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि देखो ग्राइप वाटर की तरफ आपका इंक्लिनेशन होगा अगर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देखोगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स। स्टमक प्रॉब्लम्स को बहुत और तरीके से क्योर किया जाता है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है सारे क्योर्स को समझाते हुए, बट मुझे ऐसे लगता है छोटी छोटी चीज़ें जैसे टाइम टू टाइम बच्चे को फीड कराना, ताकि उसका पेट जो है उसमें गैस ना हो जाए, उसका पेट बहुत देर तक खाली रहेगा, जैसे हमें गैस हो जाती है उन्हें गैस हो जाती है, टाइम टू टाइम आप उन्हें फीडिंग कराइए। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है बच्चे को पेट को आराम देना है, तो दिन में एक बार उसके पेट पे हींग का पेस्ट लगा दीजिए, इसकी रेमेडी भी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एलोपैथी में एक सिरप आता है जो आप बच्चों को दे सकते हो, आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो, वो भी ये सौंफ के पानी का ही सिरप होता है, तो वो आप लेके रख सकते हो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के कि बहुत इमरजेंसी हो, बच्चे का पेट टच करो, बच्चा एकदम रो रहा है, हाथ हटा रहा है आपका,
ऐसे टाइम्स में आपको पता चलता है कि बच्चे को काफी प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम के लिए आप ये रख सकते हो। मसाज दो, मसाज को तो रामबाण माना जाता है, चाहे आप आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, चाहे आप नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करते, आप खुद भी जानते हो कि आपकी बॉडी को भी अगर मसाज मिल जाए तो कितना आराम मिलेगा। बच्चे के पेट को मसाज दो, बच्चे की बॉडी को मसाज दो, टमी टाइम बच्चे को दो, इस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियोज इन सब टॉपिक पे किए हुए हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और आप देखोगे ये सब करने से ही आपको ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि ऐसा कुछ दो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक मना करती है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये वीडियो से मदद मिली होगी और एक डायरेक्शन मिली होगी कि आपको ग्राइप वाटर जैसी चीज अपने बच्चे को देनी है या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जिसको सूट करे उसके लिए सक्सेस है, जिसको ना सूट करे उसके लिए फेलियर है। डिसीजन जो है हमेशा पेरेंट के हाथ में होता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना, वो डिसीजन अब आप लीजिए। मैंने ये डिसीजन लिया था कि करना है, बट कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द रिसर्च दैट वी डिड, टू द डॉक्टर दैट वी स्पोक टू, एंड टू द एक्सपीरियंस वी हैड विद आवर चाइल्ड। वो करना बहुत जरूरी है, अपने बच्चे को जानिए, वो आपको खुद ही सिखा देगा कि आपको उसके साथ क्या करना है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया। बाय।